Hi everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today is 7th of January 2021 and there are two important articles on this page. The first one is The Path to the Next Normal. This article is written by Saugat Bhattacharya, who is the Executive Vice President, Business and Economic Research in Axis Bank. In this article, he has tried to tell us about the economic growth in the financial year and the growth indicators, the economic indicators. So let's start. मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे आर्टिकल में बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी हैं, जिसका मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ बताती जाऊंगी. सो कीप योर पेन एंड पेपर रेडी. सो द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, यहाँ पे जीडीपी के बारे में बात की गई है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जीडीपी क्या है ये हमें पता होना चाहिए. GDP is the gross domestic product, which is a monetary measure of market value of all final goods and service produced in a specific time period. GDP वो होता है जो एक market value decide करती है कि उस particular time में, चाहे वो एक quarter हो चाहे वो साल हो, कि उस एक quarter में उस एक साल में जो goods हैं, जो services हैं, उनकी क्या value रही है. So now 7th of January को, यानी कि आज, National Statistical Office एक रिपोर्ट निकालने वाली है जिसमें वो जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताएगी. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए. तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर, जो कि आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर. इसका जो एब्रीविएशन है वो है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. दिस बॉडी इज कंसर्न विद द कवरेज एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज. ये क्वालिटी को गवर्न करता है, जो भी स्टैटिस्टिक्स की जो भी रिपोर्ट आती है उनको गवर्न करता है. दिस केम इन टू द एग्जिस्टेंस ऑन 15th October 1999 आफ्टर द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि एनएसओ में जो ये MOSPI है, इसमें दो विंग्स होते हैं. पहला है स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. जो स्टैटिस्टिक्स है उस डिपार्टमेंट को कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसमें तीन डिविजन्स हैं. पहला है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि NSSO. जो दूसरा विंग है दैट इज प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसमें भी तीन डिविजन्स है. फर्स्ट इज 20-पॉइंट प्रोग्राम, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड थर्ड इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. राइट, सो गाइज ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या है और ये क्या करता है. तो आज ये रिपोर्ट निकालने वाला है. अब स्वागत भट्टाचार्य ने इस रिपोर्ट में, इस आर्टिकल में, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में भी बताया है, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिसाइड करता है कि कब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR क्या होने वाला है. इन शॉर्ट EMI पे क्या फर्क पड़ने वाला है ये बताता है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी. अब मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी क्या है ये जान लेते हैं. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फिक्सिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया. द पेरेंट डिपार्टमेंट इज RBI और इसे हेड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ RBI शक्तिकांत दास, जो कि एक IAS ऑफिसर भी हैं. अब मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट करता है साल में 4 बार, यानी कि हर क्वार्टर में एक बार मीटिंग कंडक्ट करता है और उस मीटिंग में जो भी इनका जो आउटकम होता है उसे ये पब्लिश करता है. राइट, तो ये था मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में. अब ये जो मीटिंग लास्ट दिसंबर में हुई है, यानी कि दिसंबर 2020 में ये जो इन्होंने जो मीटिंग कंडक्ट करी है, उसमें RBI ने अपना जो फोरकास्ट बताया था वो ये था. उस मीटिंग में RBI ने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बताया था कि वो 7.5% हो जाएगा. यहाँ पे इन्होंने लिखा है पेगिंग द कंट्रैक्शन एट 7.5%. पेगिंग का मतलब होता है अ प्री डिटरमाइंड लेवल एट विच समथिंग और अ प्राइस इज फिक्स्ड. यानी कि ये इन्होंने डिसाइड किया था कि हमारा जो इस क्वार्टर में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 7.5% रहेगा. राइट, इसमें नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि इनका जो एस्टिमेट था वो ये था कि जो फर्स्ट टू क्वार्टर्स थे जो हमारा पास्ट में गया, यानी कि अप्रैल, मई, जून, उसमें इनका जो
जो ग्रोथ था वो माइनस में रहा, -23.9%। उसके बाद जो क्वार्टर आया उसमें था -7.7%। ये वो क्वार्टर थे जब कोरोना इंडिया में आ चुका था और लॉकडाउन लग चुका था, राइट। तो इसकी वजह से काफी इकोनॉमी को काफी झटका लगा और काफी नुकसान रहा। नेक्स्ट उसमें ये बताते हैं कि जो 7 मंथ का जो पीरियड था, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर का, वो थोड़ा सा मिक्स था। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा मिक्स था। तो उन्होंने इसमें बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स फॉर 2021 ग्रोथ आर बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस फ्रॉम अ 7 मंथ पीरियड, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 2020, यूजिंग अ मिक्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर कॉर्पोरेट रिजल्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा, ट्रांसपोर्ट फ्लाइट एस्टिमेट्स एंड द इंडेक्स of industrial production, bank credit and deposits and multiple other indicators. तो बहुत सारे economy में बहुत सारे indicators होते हैं, तो उनका इन सब चीजों को मिला के कुछ result आया, वो इस बारे में इसमें बताने वाले हैं। और जो second advance estimate आएगा वो आएगा February 2021 तक। इस article में सौगत भट्टाचार्य ने ये बताया है कि although कोविड की वजह से काफी नुकसान रहा और जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो ग्रोथ फोरकास्ट था वो था -7.6%, बट कुछ साइंस ऐसे मिले हैं जो ये शो करता है कि देयर वुड बी अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी, एंड जो 2021 और 22 का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 11%, यानी कि काफी अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस हैं। He also stated that in December GST collections were at a record high, यानी कि GST का collection जो था December month में बहुत high रहा। Passenger vehicle dispatches to dealers वो भी काफी ऊपर गया, robust था काफी। Robust का मतलब होता है strong and healthy, बहुत तगड़ा। Purchasing managers index था वो भी काफी strong रहा। अब बहुत important है कि हमें पता होना चाहिए कि PMI क्या है। Now, Purchasing Managers Index, PMI, are economic indicators which are derived from monthly surveys of private sector companies. जो कि private sector companies की जो monthly surveys होती है, उनसे ये derive किया जाता है। और ये economic indicators होते हैं जो show करते हैं कि economy को क्या चीजें, कौन से factors हैं जो drive कर रहे हैं। Next, इस article में इन्होंने ये बताया है कि there are 39 leading and concurrent indicators. जो कि है जिन्हें इन्होंने कुछ ब्रॉडली कुछ ग्रुप में डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बात की गई है। तो इन्होंने बताया है कि लॉकडाउन रहा इस वजह से और लोगों ने काफी वर्क फ्रॉम होम किया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में 25% तक की इंक्रीज रही है। सो बिकॉज लॉकडाउन रहा, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो इस वजह से जो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी था वो 25% से ऊपर रहा, या दैट मीन इट शोड अ ग्रोथ ऑफ 25% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। और इंडस्ट्री में भी कुछ हाइक रही, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ग्रोथ हुई है। सेकेंड जो ग्रुप है वो था फिजिकल नंबर्स का, एंड थर्ड इज मोबिलिटी, देन एम्प्लॉयमेंट एंड पेमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। इसमें ही हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ मुंबई। मुंबई में जो रजिस्ट्रीज थी मकानों की वो बढ़ी है। रीजंस ये भी हो सकते हैं कि जो था जो स्टैम्प ड्यूटी रेट्स थे वो कम कर दिए गए थे, बैंक ने अपने होम लोन्स भी कम कर दिए, देन डेवलपर्स ने बहुत सारे सेल ऑफर प्राइजेस निकाले। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने अपने जैसे घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, वो लेना चालू किया ज्यादा। तो ये भी शो करता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ रहा। कि अगर आप देखें तो मुंबई के जो घरों की जो रेट्स हैं, जो जो रियल एस्टेट रेट्स हैं, वो काफी हाई रहते हैं। थर्ड इज डिजिटलाइजेशन। गूगल मोबिलिटी डेटा अक्रॉस डिफिकल्ट ज्योग्राफीज ऑल्सो पॉइंट्स टू अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि जैसे पेमेंट्स होते हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, लाइक यूपीआई है, फास्टैग पेमेंट्स है, जीएसटी ई वे बिल्स हैं, ये सब शो करता है कि इकोनॉमी में स्ट्रांग रिकवरी रही है बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट डेटा। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज फॉर द जुलाई एंड सेप्टेम्बर क्वार्टर।
अगर हम पेट्रोलियम और ट्रेडिंग कंपनीज को हटा दें तो नेट सेल्स ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज वर फ्लैट रिलेटिव टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, वाइल ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर. यानी कि जो फ्लैट सेल्स जो प्रॉफिट था वो तो नॉर्मल रहा, कम रहा, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे वो 17% बढ़ गए. इन दिस आर्टिकल ही सौगत भट्टाचार्य हैज सेड दैट although government and RBI, despite the best efforts of forecasters, the level of uncertainty remains high. The government and regulators, particularly the RBI, jo ki RBI hai, they have been very proactive and dynamic, responding aggressively in implementing a palpable survive, revive and thrive strategy. Jo RBI hai, usne economy ko boost karne ke liye jo strategy apnai hai, wo hai survive, revive aur thrive ki. Pehle to इस कोरोना काल में हमें सरवाइव करना है, फिर जो चीजें नुकसान में गई हैं उन्हें रिवाइव करना है और फिर सस्टेन करना है. गिवन द शिफ्टिंग नेचर ऑफ पब्लिक हेल्थ मेकर, डिस्पाइट द इवेंचुअल स्प्रेड ऑफ वैक्सीन, पॉलिसी विल हैव टू बी ऑफ क्रॉस द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स. यानी कि जो पॉलिसी रहेगी वो ये रहेगी कि हमें ये जो टाइम चल रहा है, ये जो पीरियड है, जो टेन्योर है, इसको हमें निकालना होगा. ऑल दो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे. द मेन पॉलिसी नैरेटिव इन 2021 एज द ग्रोथ मोमेंटम गेन्स ट्रैक्शन विल बी द पाथ टू नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एक्सेस बैलेंस बिटवीन कंटिन्यूइंग अ टारगेटेड स्टिमुलस फॉर द मोस्ट वल्नरेबल एंड इंपैक्टेड सेगमेंट्स एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स टू काउंटर द डी कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक. इस आर्टिकल में जो इन्होंने लास्ट में यही बताया है कि ऑल दो ये जो 2021 का साल है और जो आने वाला टाइम है ये हमारे लिए थोड़ा सा मिला जुला टाइम रहेगा और हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना होगा. थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लेकिन सबको साथ लेके चलना होगा क्योंकि ये वल्नरेबल टाइम भी है. नाउ गाइज, इस पूरे आर्टिकल में कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेशली सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे कि पेगिंग. पेगिंग का मतलब होता है अ प्री डिटरमाइंड लेवल एट विच समथिंग और सम प्राइस इज फिक्स्ड, यानी कि जो कुछ फिक्स किया हुआ हो. रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग, हेल्दी, तगड़ा. रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को और भी ज्यादा मजबूत कर देना, सपोर्ट देना, टू मेक समथिंग स्ट्रांगर. ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को अपनी जगह पे खींचना. नॉर्मली ये मेडिकल टर्म्स में यूज किया जाता है बट ये लिटरेरी टर्म्स में भी यूज किया जाता है और इस आर्टिकल में यूज किया गया है. वल्नरेबल. वल्नरेबल का मतलब होता है टू मेक समथिंग वेरी वीक और विच इज इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनल, यानी कि जो चीज बहुत वीक हो. पैंडेमिक, जैसे कि कोविड एक पैंडेमिक है. पैंडेमिक वो होता है जो कोई एक पैंडेमिक इज अ डिजीज जो कि बहुत जल्दी किसी एरिया में, किसी कंट्री में और वर्ल्ड में स्प्रेड होता है. बीकन्स. इस आर्टिकल में सौगत भट्टाचार्य ने बोला है बजट प्रपोजल्स विल बी की बीकन्स फॉर कमिंग फेज. यानी कि बीकन्स जो होते हैं, नॉर्मली बीकन्स एक सिग्नल होता है, अ फायर और लाइट ऑन अ हिल और टावर ऑफन नियर द कोस्ट विच इज यूज्ड एज अ सिग्नल. तो इस आर्टिकल में भी उन्होंने यही बोला है कि जो बजट आने वाला है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो एक सिग्नल की तरह रहेंगे. तो बीकन्स आर सिग्नल्स. लूज पॉलिसी, इसमें बोला गया है कि इस आर्टिकल में बोला गया है कि बैंक्स जो हैं, बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो लूज पॉलिसी लेके आ रहे हैं. नाउ लूज पॉलिसी होती क्या है? लूज पॉलिसी आर द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट सीक्स टू एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ. राइट, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को करने में हेल्प करते हैं एंड दे कैन कंसिस्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी और बोथ. लूज पॉलिसी को ही एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज, so these were few important vocabulary in this particular article. Let's move to the next article. So guys, the next article is about discomfort zones. Delhi must heed ambassador justice concern. yani ki jo Delhi hai, jo Delhi yani yahan pe matlab hai iska Indian government, the Indian government must heed. heed ka matlab hota hai to pay attention, to take notice of. तो इस आर्टिकल में ऑथर ने जो यूएस के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, केनेट जस्टर, उनके कंसर्न्स के बारे में बात करी है. तो लेट्स सी व्हाट ही हैज सेड इन दिस आर्टिकल. फर्स्ट, दिल्ली मस्ट हीड एम्बेसडर जस्टिस कंसर्न्स. यानी कि दिल्ली, इंडियन गवर्नमेंट को एम्बेसडर जस्टर ने जो बोला है उस पर
ध्यान देना चाहिए. यूएस एंग्जाइटीज मे फाइंड मोर विग्रस एक्सप्रेशन अंडर प्रेसिडेंट बाइडेन. इन हिज फेयरवेल एड्रेस इन द कैपिटल ऑन ट्यूजडे, उनका फेयरवेल था ट्यूजडे को, तो द आउटगोइंग यूएस एम्बेसडर टू इंडिया केनेथ जस्टर सेलिब्रेटेड द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन बायलेटरल रिलेशंस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. उन्होंने जो बायलेटरल रिलेशंस है यूएस एंड इंडिया का, उसके बारे में उन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर बोला. ही ऑल्सो पॉइंटेड टू द लिंगरिंग चैलेंजेस. लिंगरिंग का मतलब होता है टू स्टे फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड या फिर टू कंटिन्यू टू परसिस्ट, मीन बहुत लगे बहुत लगातार टाइम, बहुत लंबे टाइम से लगातार चले आना. सो ही ऑल्सो पॉइंटेड टू द लिंगरिंग चैलेंजेस दैट कुड टेस्ट टाइज इन द डेज अहेड. जस्टिस टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है एक टाइम. उन्होंने 3 साल बिताए हैं एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया. जस्टिस टेन्योर टू ऑफर लिटिल ओवर 3 years सॉ द अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो कि कभी नहीं हुआ और कभी पहले हुआ ही नहीं. तो उन्होंने बताया कि इंडिया का और यूएस के साथ एक टेन्योर रहा जिसमें कि डिफेंस के बारे में, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में एक अच्छे टाइज रहे. एंड सम अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है विद नो वीकनेस, डिटरमिंड, बहुत ही दृढ़ रहना. एंड सम अनफ्लिंचिंग अमेरिकन सपोर्ट फॉर इंडिया इन इट्स ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट विद चाइना इन द हाई हिमालयाज. यानी कि इन्होंने बोला है कि अमेरिका का इंडिया को बहुत बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला सपोर्ट रहा है अगेंस्ट चाइना. फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑन द ट्रेड फ्रंट, ट्रेड फ्रंट में भी चाइना, यूएस ने इंडिया का बहुत हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया है. तो उसमें इन्होंने बोला है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑन द ट्रेड फ्रंट हाउएवर हैज बीन एल्यूसिव. एल्यूसिव का मतलब होता है नॉट ईजी टू कैच और फाइंड और रिमेंबर. यानी कि ट्रेड फ्रंट में जो बातचीत रही, जो एक कैच रहा, वो इतना इजी नहीं था बट हुआ. जस्टर ऑल्सो अंडरलाइन द इमर्जिंग डिसकंफर्ट इन द यूएस ओवर द परसीव ग्रोथ ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस एंड डिक्लाइनिंग कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी इन इंडिया. यहां पे उन्होंने एक एक नेगेटिव चीज बोली है. उन्होंने एक डाउट शो किया है जो कि यूएस में जो इंडियंस हैं उनके लिए है. अंडरलाइन द इमर्जिंग डिस्कम्फर्ट इन द यूएस ओवर द परसीव ग्रोथ ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजन को लेकर बात करी है, एंड डिक्लाइनिंग कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी इन इंडिया. दिल्ली नीड्स टू पे अटेंशन टू वॉशिंगटन्स एंग्जाइटीज दैट मे फाइंड मोर विगरस एक्सप्रेशन अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडेन. यहां पर उन्होंने एक डाउट ये शो किया है कि जो बाइडेन के लीडरशिप में कुछ चीजें सही हो भी सकती हैं, कुछ चीजें सही नहीं भी हो सकती हैं. नेक्स्ट पैरा में उन्होंने बोला है द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द एक्सटेंडेड रीजन ऑफ द इंडो पैसिफिक. दिल्ली हैज एक्सेलरेटेड इंडक्शन ऑफ द एडवांस्ड यूएस वेपन सिस्टम इन टू द इंडियन आर्मरी. इंडियन आर्मरी, आर्मरी वो जगह होती है जहां पे वेपन्स रखे जाते हैं. तो दिल्ली हैज एक्सेलरेटेड इंडक्शन ऑफ द एडवांस्ड यूएस वेपन सिस्टम इन टू द इंडियन आर्मरी. इंडिया ने यूएस वेपन्स के सिस्टम्स को थोड़ा सा एक्सेलरेट किया है एंड इंप्रूव्ड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू आर्म फोर्सेस. और दोनों की आर्म फोर्सेस में एक ऑपरेशन देखी है, वहां पे सपोर्ट देखा है. एंड सपोर्टेड रिन्यूअल ऑफ द मोरिबन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेम. मोरिबन का मतलब होता है विच इज नो लॉन्गर इफेक्टिव और विच इज अबाउट टू कम टू एन एंड कंप्लीटली, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला हो. एंड सपोर्टेड रिन्यूअल ऑफ द मोरिबन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. When China occupied territory in the Ladakh frontier last April, Washington was among the first to call out Chinese aggression and offer sustained military support. यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब चाइना ने लद्दाख में लास्ट अप्रैल में अटैक किया था, वहां की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी, तो अमेरिका पहला था जिसने चाइना के अगेंस्ट एग्रेशन शो किया था. जस्टर फ्लैग्ड इंडियाज कंटिन्यूइंग परचेज ऑफ एडवांस्ड कन्वेंशनल वेपन्स फ्रॉम रशिया अमिड्स डिटीरियोरेटिंग टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड मॉस्को. सो हियर फ्लैग का मतलब, यहाँ पे फ्लैग का मतलब है टू मार्क और टू आइडेंटिफाई. तो उन्होंने एक तरीके से रेड फ्लैग ही दिखाया है. उन्होंने यहाँ पे भी एक कंसर्न शो किया है कि इंडिया रशिया से वेपन्स लेने में अभी भी इंटरेस्टेड है.
जबकि इन अमेरिका का और रशिया का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है और वो एक डिप ले रहा है, जो एक वर्स सिचुएशन में जा रहा है। व्हाइल दिल्ली होप्स टू फिनिस द इमर्जिंग टेंशन, फिनिस का मतलब होता है फाइन स्किल ऑफ डीलिंग विद पीपल एंड सिचुएशन इन अ डिप्लोमेटिक मैनर। While Delhi hopes to finish the emerging tension between India's long-standing defense cooperation with Russia and deepening security partnership with America, it has a far larger challenge to handle on trade policy. यहाँ पे भी उन्होंने concern show किया है कि India एक fine skill रखता हो, diplomatic manner में relationship सही रखता हो, लोगों को manage करना जानता हो, लेकिन यहाँ पे trade को लेकर रशिया के साथ और अमेरिका के साथ थोड़ी सी तनातनी हो सकती है। एशिया इज डिसअपॉइंटेड बाय इंडियाज डिसीजन टू वॉक आउट ऑफ अ रीजन वाइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उन्होंने यहां पे एक और कंसर्न रेज ये किया है कि एशिया, पूरा एशिया इंडिया के इस डिसीजन से थोड़ा सा दुखी है, डिसअपॉइंटेड है कि उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट से मूव आउट करने का डिसीजन लिया। ट्रेड टॉक्स विद द यूरोपियन यूनियन हैव बीन स्टॉल्ड फॉर लॉन्ग। स्टॉल्ड का मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, रोक देना। Trade talks with the European Union have been stalled for long and Delhi is now trying to decouple from the Chinese economy. अब चाइना ने इतना बड़ा काम ही कर दिया है कि इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो चाइना के साथ नहीं रहेगा, वो उनसे सेपरेट हो जाएगा। This is not an enviable situation to be in. यहां पर उन्होंने बोला है कि ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे ये बहुत अट्रैक्टिव सिचुएशन नहीं है जहां पे चाइना ने ट्रेड एग्रीमेंट से मूव आउट कर लिया है, वॉकआउट कर लिया है और चाइना के साथ सेपरेट, चाइना से कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, चाइना से सेपरेट होना चाहता है, ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया हैज कर देना, इंडिया हैज एन इक्वली डाउंटिंग चैलेंज ऑफ रिस्टोरिंग इट्स इमेज एज अ थ्राइविंग प्लूरल सोसाइटी। उसे अपनी इमेज को भी रिस्टोर करना है। एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ यूएस ओपिनियन हैज ऑलरेडी बिगन टू टैग इंडिया एज एन इलिबरल डेमोक्रेसी। इलिबरल डेमोक्रेसी वॉज अ टर्म विच वॉज यूज लॉन्ग बैक, बट अभी फिर से न्यूज में आ रही है काफी। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सिस्टम वेयर इलेक्शन अकर्स, इलेक्शन होते हैं लेकिन जो सिटीजन है, जो आम जनता है, दे डोंट नो अबाउट द एक्टिविटीज विच द गवर्निंग पार्टी और द रूलिंग पार्टी और द पीपल विद द रियल पावर आर एक्सरसाइजिंग। मीन्स इलेक्शन हो रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, बट उन्हें एक्चुअली पता नहीं है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो इसे बोला गया है इलिबरल डेमोक्रेसी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच यू शुड रिमेंबर। Concern about India's domestic politics are not limited to the US. Many of India's friends and well-wishers in the neighborhood and the world are anxious about the direction of India's domestic politics. Official Delhi must believe that India's economic size and geopolitical salience give it the option of dismissing these concerns. But in the current fluid international environment, the cost of being seen as a closed economy and intolerant society could be high for India. So these were few discomfort zones which has been cited by Mr. Kenneth Juster. So guys, this was about this article. इस article में कुछ बहुत सारे word meanings हैं, जैसे कि heed, which means to pay attention, bilateral relation, which means diplomatic relation, lingering, to stay for longer or continue or persist, tenure, time, unprecedented का मतलब होता है never having happened or existed before, unflinching, no weakness, very determined, elusive, not easy to catch, find or remember, moribund, no longer effective or which is about to come to an end completely, armory is a place where weapons are stored, flagged means to mark or identify, amidst means in middle of, deteriorating means to become worse, finis means fine skill of dealing with people and situation in a diplomatic manner, stall का मतलब होता है to stop suddenly, decouple का मतलब होता है separate हो जाना, enviable means attractive, daunting means intimidating and salience means quality of being noticeable or important. So these were few vocabulary from these two articles. So guys, if you like this article page, then please like, share and subscribe and please write a comment in the comment section. See you tomorrow with the new editorial page. Till then, take care. Bye-bye.